अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। 3 साल से लगातार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री होने से पहले कैसे राजनीति की दुनिया में आए थे, क्या था उनका पहला कदम? आइए जानते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीति में शुरुआत कैसे हुई। अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के दावेदार बनने से पहले भी इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के बाद अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दौर में भी कांग्रेस के मजबूत स्तंभ बने हुए। अशोक गहलोत छात्र जीवन से ही NSUI के साथ जुड़ गए थे। जोधपुर के JNVU से अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून की पढ़ाई की। JNVU जोधपुर में ही छात्र संघ सचिव पद से चुनाव भी लड़ा, लेकिन परिणाम उनके हित में नहीं रहा। उसके बाद 1977 में सरदारपुर विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के लिए अपनी बाइक तक 4,000 रुपये में बेच दी, लेकिन फिर भी चुनाव जीतने में असक्षम रहे। शुरू से ही गहलोत NSUI से जुड़े थे। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तब बड़ी संख्या में शरणार्थी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आए, जहां भारत सरकार ने बड़ी संख्या में कैंप बनाए थे। उन कैंप में अशोक गहलोत NSUI कार्यकर्ता के तौर पर पहुंचे और वो था उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट, जहां से इंदिरा गांधी के साथ वो जुड़े, उनका आशीर्वाद मिला, उनके करीबी हुए और उसी के बाद उन्हें NSUI में ऊंचे पद पर रखा गया। जोधपुर से विधानसभा में सरदारपुरा सीट से चुनाव हारने के बाद भी उनकी सियासती सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। साल 1979 में गहलोत को जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 1982 तक वो इस पद पर बने रहे। 1980 में हुए मध्यवर्ती चुनाव में संजय गांधी से अच्छी दोस्ती के कारण अशोक गहलोत को जोधपुर लोकसभा से टिकट दिया गया। 1980 जोधपुर लोकसभा सीट से अशोक गहलोत राजनीति के मैदान में उतरे। उस वक्त आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, लिहाजा उन्होंने अपने दोस्त के सैलून में एक कार्यालय खोला। दोस्त के स्कूटर से ही चुनाव प्रचार के लिए जाया करते थे और आखिरकार 52,519 वोटों से चुनाव जीता। और उसके बाद राजनीति में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद अब शायद जल्द ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अशोक गहलोत ही हो सकते हैं।